हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत अच्छे रहिए, अच्छे से रहिए। ठंड के मौसम में भी बहुत ठंड भी हो रही है अभी तो। आज देखो, मैंने सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे। तो आज फ्राइडे है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठ कर देखो, मैंने सारा काम कर लिया अभी और खाना भी बना चुकी हूँ, क्योंकि उसके पापा को 12:30 बजे ड्यूटी जाना है। तो मैं चावल और ये सब्जी बना ली। वो लगा इसका तो मुझे छोटा वाला सिलेंडर था, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ा। तो अभी जाऊंगी थोड़ा पूजा देने के लिए, तो पूजा दे लेती हूँ। खास कुछ तो होगा नहीं ऐसे, पर देखती हूँ अभी सारा दिन भर मैं क्या करती हूँ। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, मैं पहले अभी पूजा दे लेती हूँ। बाबू को देखो, अभी नया नया कपड़ा लगाकर बाहर घूम रहा। ये देखो, हम लोग आ गए अभी। यहाँ मिठाई प्रसाद ले खरीद रहे हैं उसके पापा, तो यहाँ मिठाई लूंगी। ये वाला कौन सा ले रहे हो मिठाई? ये ले ले ना, अरे ले। हाँ तो ये ले। बड़ा पैकेट है कौन सा? बाबू, ये देखो, ये बाहर का नजारा है। बाहर फूल डाला ये सब बेचते हैं। यहाँ पर फूल माला है, डाला ग्राफ, उसमें 5 फल देकर बेचते हैं, आलता सिंदूर दे के। ये बस बाहर का। ये देखो, हम लोग प्रसाद ले लिए अभी, तो जा रहे हैं अंदर, मंदिर के अंदर जा रही हूँ। ये पास के पापा बाबू भी जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ जाऊंगी, जाकर पहले पैर धो लूंगी थोड़ा। वहाँ कुआं भी है, बाल्टी में पानी उठाकर हाथ पैर धोने का भी व्यवस्था है, अच्छा है। तो वहाँ जाकर मैं पहले पैर धो लूंगी, उसके पापा भी धो लेंगे, धोकर उसके बाद पूजा दूंगी। और ये मेरे फर्स्ट ब्लॉग में भी ये मंदिर के बारे में मैं दिखाई हूँ, बताई हूँ। ये बहुत जागृत मंदिर है ये माँ का। मैं तो हमेशा यहीं पूजा देने आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ, मैं बहुत मतलब कुछ भी हो कहीं, मतलब यहीं पर पूजा देने आती हूँ। है, मुझे मन शांति मिलता है पूजा देकर, इसलिए मैं यहीं आती हूँ पूजा देने। तो यहाँ हम लोग अभी हाथ पर धो लेंगे। ये देखो बाबू, अब पूजा हम लोग दे चुके हैं और फूल थोड़ा बच गया था। तो बाबू बोल रहा है कि जो मम्मी ये फूल क्या कीजिएगा? तो मैं तो घर लेके चल जाऊंगी बेटा, चलो। तो बोल रहे नहीं, मैं तो डाल दूंगी यहाँ पर, मतलब पूजा दे दूंगा। तो दे दो पूजा। तो यहाँ हम लोग का पूजा खत्म। बाबू बड़ा खुश है। तो ये देखो, हम लोग पूजा दे लिए अभी। अब जाऊंगी, देख रही हूँ मार्केट कुछ अगर लेने का हो, केक वगैरह कुछ लेने का हो, तो देखती हूँ उसके पापा से बोल कर। तो देखिए, अगर हुआ तो लूँगी, नहीं तो घर। ये देखो बाबू, बाबू देखो बर्थडे बॉय को, आज बहुत खुश है। सुबह से उठ के बोल रहा मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। तो चलिए, मैं चलती हूँ अब यहाँ से। इधर देखो, ये बलून फुला लिए मेरी बहन और बाबू। देखो जिसका बर्थडे है वही आज बलून फुला के देखो, काम कर दिया। आज सारा दिन परेशान कर दिया, उसका बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है। मम्मी किसका चलेगा? बाबू ये कल से मतलब बोल रहा है ज्यादा कि बर्थडे किसका है, पापा का है या मम्मी का है? मेरा है ना, तो मेरा चलेगा। तो बाबू का क्या चलेगा? तो बाबू जो मांग रहा है ड्रेस वही दे दो, वही ड्रेस, और जो बोल रहा है बस वही करो। यही उसका फरमाइश है आज। तो फरमाइश में आज सारा दिन खाना अच्छे से नहीं खाया है। सुबह गए थे ना बेनासिटी पूजा देने के लिए, तो वहीं पर केक मैं सोची थी खरीद लूंगी, पर नहीं कर पाई वहां पर। और फिर मम्मी का घर में चली आई, इसके पापा खाना खाकर निकल गए, ड्यूटी था। बाबू बेटा ऐसे मत करो ना बेटा, देखो इसका बदमाशी कैसे तंग करता है।
तो उसके पापा, मैं वहाँ से चली आई जल्दी, और उसके पापा को भी ड्यूटी जाना था इसलिए जल्दी खाना खा कर निकल गए। तो फिर यहाँ फिर मम्मी के पास आ गई, तो मम्मी गए यहाँ, मतलब थोड़ा घर का प्रॉब्लम चल रही थी तो इसलिए मैं ब्लॉक में बनी नहीं रही। और अभी शाम के टाइम जाकर मैं ये केक लेकर आई, मैं दिखाऊंगी केक, अभी बाबू कटिंग करेगा। हाँ बोलो, अच्छा रुक जाना बेटा। तो अभी क्यों ऐसा कर रहे हो, रुक जाओ। तो वही बर्थडे है इसलिए। अच्छा बर्थडे है ना, ठीक है बर्थडे। तो अभी ये केक और काटूंगी तो सजा लेती हूँ थोड़ा, कुछ ज्यादा तो है नहीं, कुछ ऐसा सारा दिन का प्रोग्राम कुछ नहीं है। मैं सोची थी इस बार नहीं करूंगी, पर बाबू का थोड़ा फरमाइश, क्या करे, एक दिन मतलब उसको बर्थडे का बहुत मतलब ये रहता है कि बर्थडे मेरा कब आएगा, हमेशा पूछते रहता मेरा मम्मी मेरा बर्थडे कब आएगा, बर्थडे कब आएगा, यही पूछते रहता। तो आज उसका बर्थडे है, वो खुशी से बहुत मतलब बहुत खुश है वो। तो अभी ये शाम केक रख ले क्या है, तो अभी बलून भी खुशी से फुला लिया है, अभी देखती हूँ सजा लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो ये तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मतलब सजा लिए बलून वगैरह टांग कर, यहाँ एक टूल है, एक छोटा सा टूल है, उसी के ऊपर ये सजा लिए, केक रख दिए। बाबू को भी बोले हैं, अभी मेरी बहन बोल रही है कि जब बाहर ही रहो अभी, नहीं तो केक काटने के लिए बहुत बेताब हुआ है वो खुशी से। तो इसलिए बहन बोल रही है अभी बाहर रुको, पूरा डेकोरेट कर लेंगे तब आना। तो मेरे बहन ने उसको बाहर खड़ा कर दिए है, और इधर बलून वगैरह भी टांग ली, एक छोटा सा फूलदानी है यहाँ पर, उसी को रख दी। और देखो बाबू आ गया, बुला लिए, तो बाबू को यहाँ पर पीक ले रही मेरा बहन, शॉर्ट वीडियो बना रही है। तो मेरे बाबू को गुस्सा आ रहा है, अरे क्यों केक काटने में लेट हो रहा है, केक कब काटेंगे, वीडियो मत बनाओ, वो शॉर्ट वीडियो बना नहीं रहा है। और मेरी बहन बोल रही है नहीं अच्छे से बनाओ पहले, तब केक काटने के लिए देंगे। देखो उसको फेस, देखो कैसे फेस कैसे हो गया गुस्सा से, केक कब काटेंगे करके। तो यहाँ बोल रहा है बाबू, उसका केक में उसको केक खाने के लिए इसको बहुत मतलब क्या बोले, उसको भूल के हम मतलब ये नहीं कर सकते कि उसको इतना खुशी है। और उसको जब शॉर्ट वीडियो लिया जा रहा है तब उसको बहुत गुस्सा आ रहा, कब कटिंग होगा, उसको शाम का इंतजार रहता है कि मेरा कब केक आएगा तो केक काटेंगे। इधर देखो शॉर्ट वीडियो ले रही है अभी तक, यहाँ पर पापा भी है, अब मेरी छोटी वाली सिस्टर है वो भी आई है, तो हम इन लोग हैं तीन चार जन घर में ही, बस तीन चार जन ही मिलकर बाबू का बर्थडे मनाए, बाहर को किसी को इनवाइट नहीं किए हैं। ये केक लाए बस, और उसके पापा तो ड्यूटी चले गए, आएंगे 9-10 बजे। तो तीन चार जन मिलकर हम लोग बर्थडे मना लिए, हर साल उसी तरह ही करते हैं, पर दूसरा साल कुछ थोड़ा बनाते भी है खाना वाना घर पर, तो इस साल और नहीं हुआ कुछ। नहीं देखो बाबू कब केक कटिंग कर रहा है, अब जाके उसको खुशी मिला। तो यहाँ पर केक कटिंग हो रहा, यहाँ देखो बाबू अब केक कटिंग के लिए तैयार, केक कटिंग कर रहा, अब जाके उसको मन को खुशी मिला। यहाँ देखो मेरी बहन बोल रही है कि दो हम उठा दे रहे हैं, नहीं नहीं देगा उठाने के लिए, वही खुद उठाएगा। बच्चा का ना यही एक ये है,
क्या केक कटिंग होगा, कब ये होगा। अब मेरी बहन इसका शॉर्ट वीडियो ले रही है। देखिए मछली सजली वाली उठा के दे रही है, उसको उठा नहीं पा रहा, लेकिन उठाने देगा नहीं जी। देखो अब उठा के खा रहा। मुंह देख रहे कैसे टेढ़ा रहा, मुंह उसका टेढ़ा। देखो कैसा लग रहा केक। अच्छा बाबू सुबह से पागल हो गया था, कब केक कटिंग होगा, कब केक कटिंग होगा। अच्छे से खाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा गिफ्ट कौन कौन लाया है। गिफ्ट गिफ्ट तो इधर दिया। पिछला साल भी नहीं दिया था ना। पिछला साल तो दादी का ही है सर। पिछला साल नहीं, उसका अगला साल मुन्नी।